वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो इससे पहली वीडियो में हमने हेनरीज लॉ के बारे में डिस्कशन की थी, तो आज हम इस वीडियो में हेनरीज लॉ पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें के पूरा असाइनमेंट है, सभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स हैं विद आंसर्स, जो उनके आंसर्स हैं, सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर अंडरस्टैंड करने हैं और बाकी की न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको खुद सोल्व करनी है। तो वो पूरा असाइनमेंट आपको साथ में ही कंप्लीट करते रहना है। और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर देना है एंड साथ में बेल आइकन को दबा देना है, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पर स्टेटमेंट है, इफ़ एन टू गैस इज बबल थ्रू वाटर, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ एन टू गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। अज्यूम दैट एन टू एक्सर्ट ए पार्शल प्रेशर ऑफ 0.987 bar, गिवन दैट हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर एन टू इज 76.48 kilobar। तो सिंपल सी स्टेटमेंट है, 1 लीटर वाटर में से एन टू गैस को बबल आउट करवाया गया है। सो 1 लीटर है हमारे पास वाटर, एन टू गैस को उसमें से बबल आउट करवाया गया है। तो सभी चीज़ों में टेम्परेचर हमें सेम दिया गया है, 293 केल्विन, तो उसका कोई रोल नहीं रहेगा। सो हमें ये देखना है कि एन टू के यहाँ पर कितने मिली मोल्स हैं जो वो वाटर में डिजोल्व हुए हैं। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू दी गई हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू, पार्शियल प्रेशर ऑफ एन टू हमें दिया गया है, दैट इज 0.987 bar, एंड हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट के एच फॉर द एन टू इज 76.48 kilobar। तो हमें सोल्व करना है कि एन टू गैस के कितने मिलीमोल्स 1 लीटर पानी में डिजोल्व हुए हैं। पहले इसको चेंज करते हैं, दैट इज किलो बार को चेंज करेंगे इनटू बार, सो दिस बिकम्स दिस वन। नाउ सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन सोल्व करेंगे। सो मोल फ्रैक्शन एक्स एन टू इज इक्वल्स टू पार्शियल प्रेशर ओवर के एच, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था पी इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स, सो एक्स इज इक्वल्स टू पी ओवर के। तो यहां पर फॉर्मूला बन जाएगा पी एन टू ओवर के एच। तो पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 0.987 और इसको डिवाइड करेंगे 76.48 इंटू 10^3। तो डिवाइडिंग आपको खुद करनी है, थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन भी आप यहां पर यूज कर कर सोल्विंग आपको यहां पर खुद करनी है। तो वो आपका आंसर बन जाएगा 1.29 इंटू 10^-5। तो ये आ गई हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द एन टू गैस। हमें सोल्व क्या करने हैं, मोल्स ऑफ एन टू गैस, मतलब मिली मोल्स ऑफ एन टू गैस। तो मोल फ्रैक्शन में दो चीजों की रिक्वायरमेंट है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। तो वाटर के मोल्स हम यहां से निकालेंगे, हम अज्यूम कर लेते हैं कि 1 लीटर वाटर का मतलब है कि 1000 ml, मतलब 1000 ग्राम, इसको हम अप्रोक्सीमेटली 1000 ग्राम ही अज्यूम कर लेंगे। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं, गिवन मास ओवर मोलर मास, सो दिस बिकम्स 55.55। तो ये आ गए वाटर के नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें इसका फॉर्मूला लगाना है, एक्स एन टू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू इज वेरी स्मॉल वैल्यू, उसकी वैल्यू काफी स्मॉल है। सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली यूज कर लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि ऑलरेडी ही मिली मोल्स में है, ऑलरेडी उसकी मोल फ्रैक्शन की वैल्यू भी काफ़ी छोटी है, तो सोल्विंग इससे हमारी इजी हो जाएगी। तो अब हमें सिंपली इन दोनों को सोल्व करना है। सो दिस बिकम्स एक्स एन टू इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू बिकम्स एक्स एन टू इन टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। सो सिंपल इसकी सॉल्विंग करें तो ये, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, हमें इन दोनों को अब सिर्फ मल्टीप्लाइकेशन करनी है। सो मल्टीप्लाइकेशन कर कर सो सिंपल एन एन टू बिकम्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एन टू बिकम्स यहां से एक्स एन टू की वैल्यू दिस वन 1.29 इंटू 10^-5 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वाटर दैट इज 55.55.55। इसकी मल्टीप्लाइकेशन करें और वहां से आपका आंसर जो आएगा सोल्व कर कर दैट इज 7.16 इंटू 10^-4 मोल, और हमें इसको चेंज करना है इंटू द मिली मोल्स, सो दिस बिकम्स माइनस
थ्री इंटू 10^-1 मोल, इसको हटाकर हम यहाँ पर लगा देंगे मिलीमोल्स एंड दैट बिकम 0.16 मिलीमोल। तो ऐसे आप इसे इजीली सोल्व कर सकते हैं। तो काफ़ी सिंपल सी प्रॉब्लम थी। तो हमें मोल्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने मोल फ्रैक्शन निकाली हेनरीज लॉ के फार्मूले से, नंबर ऑफ मोल्स निकाले वाटर के और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हमने N2 के सोल्व कर दिए। ऐसे ही सिमिलर जो इसके बाद प्रॉब्लम है सेकेंड, वो आपको खुद सोल्व करनी है। स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है, वो आपको रीड एक बार जरूर कर लेनी है। सो सिंपल सी स्टेटमेंट है कि हेनरीज लॉ कॉन्स्टेंट फॉर द CO2 इन वाटर इज 1.67 × 10^8 पास्कल। टॉपिक 2 एक्सरसाइज ए का है न्यूमेरिकल नंबर 1, अगर आपने असाइनमेंट को डाउनलोड किया है वहां से टॉपिक 2 एक्सरसाइज ए का न्यूमेरिकल नंबर 1। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर। तो जहां पर हमें दिया था 1 लीटर, तो वहां पर हमें 500 ml के लिए सोल्व करना है। CO2 है, KH की वैल्यू है, पार्शियल प्रेशर है 2.5 एटमोस्फेरिक। पूरी सोल्विंग आपको इसी वे में करनी है, सेम टू सेम न्यूमेरिकल है, ये आपको खुद सोल्व करना है। और इसका आंसर भी आपको असाइनमेंट में ही मिल जाएगा, कितना आंसर है उसके साथ आपको इसका आंसर भी मैच कर कर देख लेना है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम इज टॉपिक 2 की एक्सरसाइज बी को अब हम स्टार्ट करते हैं। बाकी के न्यूमेरिकल्स जो हैं टॉपिक 2 एक्सरसाइज ए में, वो सभी रोल्स लॉ के साथ रिलेटेड है, वो हम इससे बाद डिस्कस करेंगे टॉपिक के साथ। H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis if the solubility of H2S at STP is 0.195 m. Calculate Henry's law constant. हमें Henry's law constant को solve करना है। अगर हमें solubility दी गई है at STP, gas है H2S, एट एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, सोलुबिलिटी उसकी कितनी दी गई है, सोलुबिलिटी 0.195 m। इसका क्या मतलब होता है, m मीन्स मोलैलिटी, m मतलब क्या है, मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का मतलब क्या होता है कि 0.195 मोल्स ऑफ H2S इन 1000 ग्राम वाटर सोलवेंट। ये हमने डेफिनेशन यूज की है सिंपल। तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तो हैं, सॉरी H2S तो हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर यहां से सोल्व कर लेते हैं, 1000/18 वाटर का मोलर मास, सो दिस कम्स आउट टू बी 55.5। अब दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आ चुके हैं, अब हमें इसकी मोल फ्रैक्शन को सोल्व कर लेना है। तो इसकी मोल फ्रैक्शन अब हमारे पास क्या बनेगी, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S गैस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस ओवर टोटल नंबर ऑफ मोल्स H2S प्लस वाटर। तो इसको सोल्व करें और इसका आंसर आपको सोल्व आउट कर कर देखना है कि क्या इसका आंसर आएगा। तो इसका आंसर आपका डिवाइड कर कर आ जाएगा 0.0035, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसके आगे अब हमें यहां पर दिया गया था STP, STP पे प्रेशर क्या होता है, 1 एटमोस्फेरिक। अगर हमें ATM में यूज़ करना है, एटमॉस्फेरिक में होता है 1, अगर हमें बार में मतलब SI यूनिट्स में अगर हमें इसे चेंज करना है, तो बार में ये आपके लिए बन जाएगा दैट इज 1.01325 bar। सो प्रेशर है x, मोल फ्रैक्शन है, तो फॉर्मूला था P इज इक्वल टू KH इंटू x, सो KH इज इक्वल्स टू P ओवर x। तो सिंपली P की वैल्यू लें, ओवर करें एक्स की वैल्यू, तो इनको डिवाइड कर कर आपका आंसर आ जाएगा। आप अप्रोक्सीमेटली यहां पर 1 यूज कर कर भी इसे सोल्व आउट कर सकते हैं, तो वहां से भी आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द वेरी सिंपल प्रॉब्लम। थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज होती है कि आपको सोल्युबिलिटी दी थी इन टर्म्स ऑफ द मोलैलिटी, उसका आपको कैसे यूज करना है वही यहां पर मेन बात है। तो आपको स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज द स्टेटमेंट इज ऑन आवर स्क्रीन, सिक्स्थ न्यूमेरिकल है एक्सरसाइज बी में से, सिक्स नंबर पर ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट है हमारे पास के पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 6.56 × 10^-3 g ऑफ इथेन इज 1 bar। इफ द सॉल्यूशन कंटेन्स
5×10^-2 ग्राम ऑफ इथेन, व्हाट शुड बी द पार्शियल प्रेशर? तो इस बार हमें मास दिया गया है इथेन का एंड प्रेशर दिया गया है, कोई मोल फ्रैक्शन नहीं है। तो इथेन है, पहले उसका मास था, उसको मैं लिख लेता हूं m1, दैट इज 6.56×10^-3 ग्राम। एंड उसका प्रेशर जो था, जब उसका इतना मास डिसॉल्व हुआ था उस टाइम पर प्रेशर था 1 bar। फिर दूसरी कंडीशन में उन्होंने दिया है कि अगर उसका मास डिसॉल्व है 5.00×10^-2 ग्राम, देन प्रेशर कितना होगा। तो ये सिंपल सी स्टेटमेंट है। तो यहां पर हमने पिछली वीडियो में हेनरीज़ लॉ को डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि उसकी दो फॉर्म्स होंगी, एक तो थी KH वाली जिसमें के P is equal to KH×X होता है, दूसरी फॉर्म जो हमने ऊपर की थी कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यहां पर वो फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोई KH का रोल नहीं होगा। तो सिंपली है कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, मतलब कि हम मासेस के रेशियो को प्रेशर के रेशियो के बराबर यहां पर रख सकते हैं। सो विच इंप्लाइज दैट m1/m2 is equals to the p1/p2, हमें p2 को सोल्व करना है, so p2 becomes p1×m2/m1। तो आपको सभी वैल्यूज यहां पर सिंपली सोल्व करनी है, यूज करनी है, p1 की वैल्यू आ जाएगी 1, m2 की वैल्यू आ जाएगी आपके लिए 5.×10^-2 और m1 की वैल्यू है 6.56×10^-3। डिवाइड करें और आंसर आपको खुद सॉल्व कर देखना है। तो आंसर के यूनिट्स हो गए आपके बार, क्योंकि दूसरा प्रेशर भी बार में दिया था। तो ऐसे ये कुछ डिफरेंट हो जाती हैं प्रॉब्लम, बट काफी इजी है ये टॉपिक हेनरीज़ लॉ। आगे है न्यूमेरिकल नंबर 11th, जो आपकी स्क्रीन पर स्टेटमेंट है, ये आपको खुद सोल्व करना है, मैं सिर्फ आपको स्टेटमेंट रीड आउट करवाऊंगा। हेनरीज़ लॉ कॉन्स्टेंट फॉर द मोलैलिटी ऑफ मीथेन इन बेंजीन एट 298 केल्विन इज दिस वन इज 4.27×10^5 mm ऑफ HG। ये हमें हेनरीज़ लॉ कांस्टेंट मतलब KH की वैल्यू दी गई है। कैलकुलेट सोलुबिलिटी, सोलुबिलिटी का मतलब होता है कि कितना अमाउंट ऑफ गैस उसमें डिसोल्व हो रहा है, वो हमें सोल्व करना है। अगर उसका प्रेशर दिया है 760 mm of Hg, तो आपके पास P है, KH है, आपको सिंपली X निकालनी है, मोल फ्रैक्शन निकालनी है, वही आपका आंसर है कि इतने मोल्स उस गैस के डिसोल्व हो रहे हैं, वही उसकी सोलुबिलिटी है। तो बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा हेनरीज़ लॉ पर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट ध्यान से रीड करें। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ नंबर ऑफ गैसेस इन विच ऑक्सीजन की परसेंटेज दी गई है एंड नाइट्रोजन की परसेंटेज दी गई है, जो भी एयर में होती है इन दोनों की परसेंटेज। नाउ द वाटर इज इन द इक्विलिब्रियम विद एयर एट ए प्रेशर ऑफ द 10 atmospheric। वाटर जो है वो एयर के साथ इक्विलिब्रियम में है, टोटल प्रेशर उनका ऊपर कितना है 10 atmospheric, और ऑक्सीजन गैस जो है वो कितने परसेंट है 20%, और N2 गैस कितने परसेंट है 79%। नाउ दोनों के लिए हेनरीज़ लॉ कांस्टेंट्स की वैल्यू दी गई है अलग से, KH की वैल्यूज दोनों गैसेस के लिए अलग अलग हैं, तो वो हम यहां पर राइट डाउन कर लेते हैं। ऑक्सीजन के लिए KH की वैल्यू इन्होंने दी है, दैट इज 3.30×10^7 mm ऑफ HG होगा, और KH की वैल्यू फॉर N2 है 6.51×10^7 mm। नाउ हमने क्या सोल्व करना है, कैलकुलेट द कॉम्पोजिशन ऑफ दीज गैसेस इन वाटर। वाटर में इनकी कॉम्पोजिशन क्या है, कॉम्पोजिशन का मतलब कि दोनों गैसेस, मतलब सिंपल स्टेटमेंट है, अगर आपने एयर वाटर के ऊपर 10 एटमोस्फेरिक प्रेशर पर उसको अप्लाई किया हुआ है, वाटर के ऊपर है जो भी हवा, कितनी ऑक्सीजन और कितनी नाइट्रोजन वाटर में डिसोल्व होगी, ये हमने सोल्व करना है। तो सिंपल है, सबसे पहले हमें दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर चाहिए, क्योंकि हमने रीड किया है हेनरीज़ लॉ में कि पार्शियल प्रेशर के ही सब कुछ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सबसे पहले हम इनके पार्शियल प्रेशर निकालते हैं, तो वो हम कहाँ से निकालेंगे,
इनकी परसेंटेजेस से, जितनी परसेंटेज होगी गैस के अमाउंट की उतना ही टोटल प्रेशर में उसका पार्शियल प्रेशर होगा। सो यहां पर मैं सोल्व करने जा रहा हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, उसका 20% है, सो टोटल प्रेशर का 20% होगा। इसको अभी रब कर देते हैं। सो ये थी N2 गैस 79%, 20% ऑफ द टोटल प्रेशर, दैट इज टोटल प्रेशर है हमारा 10, सो ये बन गया हमारे पास 2 एटमोस्फेरिक। ऐसे ही हम दूसरे का सोल्व करेंगे PN2, दिस बिकम 79% ऑफ द टोटल प्रेशर और दिस बिकम्स द 7.9 एटमोस्फेरिक। तो पहले आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग कर लेनी है। नाउ यूनिट्स का ध्यान रखना है, यूनिट्स की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यहां पर है 2 एटमोस्फेरिक, तो यहां पर यूनिट्स हैं जो KH के यूनिट्स हैं, दैट इज द mm ऑफ HG। नाउ 1 एटमोस्फेरिक इज इक्वल्स टू 760 mm ऑफ HG, तो ये हो गए इक्वल यूनिट्स। नाउ ऐसे यहां पर 7.9 × 760 mm ऑफ HG। सो अब हमारे पास प्रेशर है, KH है, हमें सिंपली मोल फ्रैक्शन निकालनी है, दोनों की अलग से मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। इसकी मोल फ्रैक्शन मैं यहाँ पर सोल्व करने जा रहा हूँ, XO2, दैट इज फॉर्मूला था P इज इक्वल टू KH इंटू X, सो X बिकम्स P ओवर KH, सो PO2 ओवर KH, तो दोनों को डिवाइड करें, PO2 दैट इज 2 × 760 और KH इज द 3.30 वाली वैल्यू जो है, सो 2 × 760 ओवर हो जाएगा 3.30 × 10⁻⁷। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ऐसे ही सिमिलरली आप यहां पर भी सोल्व कर सकते हैं, XN2 दैट इज PN2 7.9 × 760 ओवर हो जाएगा आपके लिए 6.51 × 10⁻⁷। तो ऐसे आप इसको सिंपली सोल्व आउट कर सकते हैं, दोनों की अलग से आपको निकालनी थी मोल फ्रैक्शन। तो ये थे हमारे कुछ न्यूमेरिकल्स बेस्ड अपॉन द हेनरीज लॉ। इससे जो अगला टॉपिक है दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कि हम डिस्कस करने वाले हैं वेपर प्रेशर्स के बारे में। तो वेपर प्रेशर्स ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस, जिसके के दो पार्ट होंगे, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, जिसके बारे में कि हमें रोल्स लॉ ने बहुत कुछ बताया है। फिर इसके बाद आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एजियोट्रोप्स के बारे में। तो यहाँ तक ये हमारा कंप्लीट पार्ट चलता रहेगा, उसके बाद एक अलग टॉपिक जो कि एक न्यूमेरिकल पोर्शन है, मेन पार्ट है इस यूनिट का, वो हम इसके बाद शुरू करेंगे। तो यहाँ तक आपको सभी नोट्स अपने प्रिपेयर कर लेने हैं। तो अगला टॉपिक अब हम शुरू करते हैं, दैट इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसमें डिस्कस करेंगे कि वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का होता क्या है। तो सबसे पहले हम वेपर प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द वेपर प्रेशर। सो मान लीजिए हमने किसी लिक्विड को किसी क्लोज कंटेनर में रखा हुआ है। सो अज्यूम दैट हमने किसी लिक्विड को किसी क्लोज कंटेनर में रखा है, तो हमें पता है कि लिक्विड अपने वेपर्स में चेंज होता रहता है, मतलब उसमें लिक्विड की इवेपोरेशन होती रहती है और उसके वेपर्स बनते रहते हैं। अब वेपराइजेशन के साथ साथ एक जो उसकी रिवर्स प्रोसेस जो होती है वो भी साथ में ही शुरू हो जाती है, दैट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो यहां पर है लिक्विड फेस, तो यहां पर है लिक्विड, इसके वेपर्स यहां पर बनने शुरू हो गए हैं, सो दीज आर द वेपर फेस। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वेपराइजेशन और जो रेट ऑफ कंडेंसेशन है वो दोनों सेम हो जाएंगे। सो वेपर प्रेशर का ये टॉपिक है हमारा ऑफ लिक्विड। तो प्लीज साथ में नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अभी आपको ऐसा फील होता यहां पर हो रहा होगा कि ये सभी चीजें काफी इजी हैं, बट जब पूरा सिलेबस एक साथ आपको याद करना पड़ता है तो आपके नोट्स बनाए होंगे जो आज, वो आपके काफ़ी यूजफुल रहने वाले हैं बाद में। तो प्लीज़ नोट डाउन आपको ज़रूर करना है, अभी आपके पास काफ़ी फ्री टाइम है नोट डाउन करने के लिए, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी
इसमें ऐसी चीज़ें होती हैं जो जब आप नोट डाउन करेंगे तो ही आपको अंडरस्टैंड होगी, तो प्लीज़ इनको नोट डाउन जरूर करना है. सो व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इक्वल्स टू रेट ऑफ द कंडेंसेशन, तो कौन सी स्टेज बनती है? इक्विलिब्रियम स्टेट. सो एट इक्विलिब्रियम क्या होता है कि जितना लिक्विड वेपर बन रहा है उतने वेपर्स ही वापस लिक्विड भी बना रहे हैं उस टाइम, उस स्टेज पर. एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर लिक्विड के ऊपर जो वेपर्स प्रेजेंट हैं वो कितना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं उस लिक्विड का वेपर प्रेशर. मतलब ये इक्विलिब्रियम पर डिफाइन करते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर. सो इसकी डेफिनेशन अगर आपको नोट डाउन करनी है तो मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको नोट डाउन करनी है साथ साथ में सुनकर. द प्रेशर एग्जर्टेड बाय वेपर्स, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड, इन इक्विलिब्रियम विद लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, प्रेशर एग्जर्टेड बाय द वेपर्स अबव द लिक्विड सरफेस इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड द वेपर प्रेशर. तो ये जो वेपर प्रेशर होता है वो दो चीजों पर डिपेंड करता है. सबसे पहला है वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन, तो इसकी डेफिनेशन प्लीज जरूर नोट डाउन करनी है. वेपर प्रेशर डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड, लिक्विड के नेचर का क्या मतलब है? बेसिकली जो इसकी इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं, अगर इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इसकी वीक हैं, इसके अंदर की इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस वीक हैं, इसके वेपर से जल्दी बनते हैं तो इसका वेपर प्रेशर हाई होता है. और सेकेंड दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करते हैं तो ये भी इंक्रीज होता है. वेपर प्रेशर इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर. तो ये दो चीजों पर ये वेपर प्रेशर डिपेंड करता है. अभी हम प्योर लिक्विड की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक लिक्विड है, ओनली वन कंपोनेंट इज देयर. अभी हम लिक्विड सॉल्यूशंस की बात करेंगे तो वहां पर इसको दोबारा एक्सप्लेन करेंगे कुछ जो भी चेंज होगा इसमें. तो पहले आपको इतना नोट डाउन करना है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखनी है, वो मैंने आपको दो बार बोली है, दोबारा सुने और उसे राइट डाउन करें, आपको याद हो जाएगी अच्छे से. सो ये हो गया हमारा वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड, ऑफ ए प्योर लिक्विड. आगे चलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्यूशंस. जब हम लिक्विड के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वो हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन बनते हैं. सो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, तो लिक्विड सॉल्यूशन में दो टाइप्स हैं. मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि लिक्विड लिक्विड और सॉलिड लिक्विड. लिक्विड सॉल्यूशंस, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस, तो इसमें सबसे पहला ए पार्ट है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन. तो अब आपको ये चीज ध्यान से अंडरस्टैंड करनी है कि जब हम किसी एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड में डिजोल्व कर देते हैं, मतलब उन दोनों का हम यहां पर बना देते हैं सॉल्यूशन, तो क्या होता है कि दोनों कंपोनेंट्स का अपना अपना वेपर प्रेशर होता है उस सॉल्यूशन में. मान लीजिए हमने इस यहां पर एक कंटेनर में दो लिक्विड्स को ऐड कर दिया है, जो उस लिक्विड के ऊपर होंगे वेपर्स, उसमें ए कंपोनेंट और बी कंपोनेंट दोनों के ही वेपर्स होंगे प्रेजेंट, दोनों का अपना अपना एक वेपर प्रेशर होगा और उन दोनों के वेपर प्रेशर का सम उसका टोटल वेपर प्रेशर होगा. दोनों का अपना अपना कितना वेपर प्रेशर होगा वो डिपेंड करता है कि उस सॉल्यूशन में ए और बी की कितनी मोल फ्रैक्शन प्रेजेंट है. सो वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट इज प्रोपोर्शनल टू देयर मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन. ये हमें रोल्ट लॉ ने बताया था. तो रोल्ट एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इसके बारे में बताया था कि फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लें.
वोलाटाइल लिक्विड्स द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट Each component is of the solution is directly proportional to of the solution is directly proportional to its mole fraction in the solution directly proportional to mole fraction in the solution. तो ये था हमारा रोल्स लॉ मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन दिस इज कॉल्ड द रोल्स लॉ तो ये रोल्स लॉ की डेफिनेशन मैंने पूरी राइट डाउन कर दी है तो इसे दोबारा से रीड करें फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड्स तो यहां पर वोलेटाइल लिक्विड्स की बात हो रही है मतलब दोनों के ही वेपर्स बनते हैं ए और बी के द पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट मतलब ए का अलग से और बी का अलग से ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन टू मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन सो मान लीजिए हमारे पास दो कंपोनेंट्स हैं ए एंड बी सो इस लॉ के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें क्या बताया है कि पी ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए यही बात कही है उन्होंने कि पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन एंड पी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स पी नाउ प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे एक दैट इज द पी ए नोड तो यहां पर हमने ये प्रोपोर्शनैलिटी हटाकर कांस्टेंट लगाया है ऐसे ही इस साइड पर भी पी बी इज इक्वल्स टू पी बी नोट इन टू एक्स पी तो ये दो कॉन्स्टेंट्स हमने यहां पर लगाए और हमारे फॉर्मूला बना लिया नाउ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ने हमें क्या बताया था कि दोनों कंपोनेंट्स के जो अपने अपने पार्शियल प्रेशर हैं उन दोनों का सम हमें टोटल प्रेशर ऑब्टेन करेगा अगर हम इन दोनों को एड करते हैं तो हम उससे टोटल प्रेशर ऑब्टेन कर सकते हैं सो टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन बिकम्स So, according to Dalton's law of partial pressure, total pressure P total is equals to PA plus PB. इससे अलावा एक चीज और है जो काफी इंपॉर्टेंट है कि ये PA node क्या है PA node is the vapor pressure of प्योर कंपोनेंट ए ऐसे ही सिमिलरली पीबी नोड क्या है दैट इज वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट बी इन दोनों का क्या मतलब है कि जब ए अलोन था जो हमने शुरू में एक्सप्लेन किया था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड ओनली वन लिक्विड सो जब ए अलोन था तो उसका वेपर प्रेशर था पी ए नोट और जब बी अलोन था उसका वेपर प्रेशर था पीबी नोट जब हमने उन दोनों को ऐड कर दिया मिक्स कर दिया सॉल्यूशन बना दिया तो फिर ए का वेपर प्रेशर कितना बना पी ए जो पी ए नोड के साथ कैसे रिलेटेड है पी ए इज इक्वल्स टू पी ए नोड इनटू एक्स ए तो ध्यान दीजिए सॉल्यूशन में ए का वेपर प्रेशर यानी कि उसका पार्शियल वेपर प्रेशर होगा पार्शियल वर्ड ही हम उस टाइम पर यूज करते हैं जब एक से ज्यादा चीजों को ऐड किया होता है तो वो बनेगा पी ए नोड इनटू इट्स मोल फ्रैक्शन ऐसे ही बी के लिए भी सिमिलर है तो जब ए अलोन होगा तो पी ए नोट सॉल्यूशन में पी ए तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रेशर बन जाएगा सॉल्यूशन का सो ये हमारा रोल्स लॉ की एक फॉर्म हो गई है तो इसको इसकी सॉल्विंग हम आगे थोड़ी सी और करते हैं यहां पर अब हमें पी ए और पी बी की वैल्यूज को यूज कर लेना है सो पी ए की वैल्यू है पी ए नोट इंटू एक्स ए और PB की वैल्यू है PB नोट इनटू XB तो हम मोल फ्रैक्शन को चेंज करते हैं PA यहां पर XA को 1 माइनस XB प्लस PB नोट इनटू XB
इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो ये बन जाएगा पी ए नोट प्लस पी बी नोट माइनस पी ए नोट इंटू एक्स पी। तो यहां से आपको एक और इम्पोर्टेंट जो है रिलेशन मिल रहा है, दैट इज, तो ये दोनों फार्मूले आपको याद रखने हैं, ये दोनों न्यूमेरिकल्स में यूज होंगे। तो यहां से हमें क्या वैल्यू पता चलती है कि टोटल प्रेशर वेरीज लीनियरली विद द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट बी और ए, जिसमें भी आप सोल्व करेंगे दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दोनों का ग्राफ बनाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो स्ट्रेट लाइन वो हमारी ऑब्टेन हो जाएगी। तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है कि टोटल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के साथ लीनियरली वेरी करता है, इसलिए हम इसका ग्राफ बनाकर देखते हैं कि इन दोनों का ग्राफ कैसा बनेगा। एक सिंपल सा ग्राफ है जो आपको रीड करना आता होना चाहिए। सो ये सभी कुछ वीडियो को रोक कर आप नोट डाउन करते जाएं साथ में, तो आपको चीज़ें काफ़ी इजी लगनी शुरू हो जाएंगी। वैसे भी ये जो हमारे स्टार्टिंग के चैप्टर होंगे वो सभी न्यूमेरिकल पोर्शन के साथ रिलेटेड रहेंगे, सॉल्यूशन, फिर बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर बाद में रेट ऑफ फ्रैक्शन के साथ है एक चैप्टर, वो सभी काफ़ी ईजी चैप्टर्स हैं। सो ये हम इसका ग्राफ बनाने लगे हैं। मान लीजिए इस साइड पर है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए और इस साइड पर है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो यहाँ पर बी की मोल फ्रैक्शन ज़ीरो है और यहाँ पर ए की मोल फ्रैक्शन ज़ीरो है। अगर ए ही है तो इसका टोटल पार्शियल प्रेशर जो बनेगा वो पी ए नोड ही होगा क्योंकि ए अलोन है। उस साइड पर बी अलोन है तो बी का ही पार्शियल वेपर प्रेशर बनेगा, प्योर कंपोनेंट बी का ही प्रेशर बनेगा। नाउ यहाँ पर ए का अमाउंट था 1 और यहाँ पर है 0, मतलब ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब इसका प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा और 0 हो जाएगा। यहाँ पर बी था 0 और वो इंक्रीज हो रहा है, तो उसका जो अमाउंट है और उसका प्रेशर है वो इंक्रीज होता जाएगा, और जो हमें सॉल्यूशन का प्रेशर मिलता है वो हमें ये वैल्यू मिलती है। तो टोटल प्रेशर हमें यहाँ से मिलता है और ये जो है स्ट्रेट लाइन ये मिलती है हमें पी ए की, क्योंकि जब हम उसको सॉल्यूशन में ऐड करते हैं तो उसका प्रेशर ऐसे डिक्रीज होता है, और ये बनती है पी बी की। तो ये एक सिंपल सा ग्राफ है जिसमें कि यहाँ पर उन्होंने मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है और यहाँ पर है वेपर प्रेशर ऊपर को। तो ये आपको रीड रीड करना सिर्फ है सीखना, तो काफ़ी सिंपल है कि ये है टोटल वेपर प्रेशर और ये है पी ए इन द सॉल्यूशन और ये है पी बी इन द सॉल्यूशन। सो एक और इसके साथ ही है चीज़ कि कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस भी हम इसके साथ सोल्व कर सकते हैं कि वेपर फेस में क्या कॉम्पोजिशन रहने वाली है, मतलब मोल फ्रैक्शन हम वेपर फेस में भी सोल्व कर सकते हैं। तो ये ग्राफ प्लीज़ आपको नोट डाउन कर लेना है। सो अगला है इसी के साथ है कि कॉम्पोजिशन ऑफ द वेपर फेस, वेपर फेस की क्या कॉम्पोजिशन रहने वाली है। सो वेपर फेस की कॉम्पोजिशन का क्या मतलब है कि अब वेपर फेस में भी दो चीजों के वेपर्स होंगे ए और बी के। कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस, ये जो है फॉर्मूला वो न्यूमेरिकल्स में हमारे बहुत यूज होने वाला है। कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेस दैट इज वाई ए के साथ हम इसे डिनोट करते हैं, दैट इज मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेस। ऐसे ही बी के लिए हो सकती है वाई बी दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेस। सो इसका फॉर्मूला क्या है, सिंपल फॉर्मूला है। नाउ टोटल वेपर प्रेशर था और एक था ए का वेपर प्रेशर, दोनों को हम कर देंगे डिवाइड्स, तो पी ए ओवर पी टी। एंड ऐसे ही सिमिलरली वाई बी क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ बी ओवर पी टी। और जैसे कि सिंपल मोल फ्रैक्शन में होता है दोनों का सम क्या होगा इज इक्वल टू 1। तो मतलब जो हमने यहाँ पर सोल्विंग की थी कि पी टी इज इक्वल्स टू पी ए प्लस पी बी, तो हम यहाँ पर पी ए के आंसर को इस पी टी के आंसर के साथ डिवाइड करेंगे तो हम वेपर फेस की मोल फ्रैक्शन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो इससे जो अगला पार्ट होगा उससे हम उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं रोल्स लॉ की दूसरी फॉर्म एंड प्लस उसके साथ रिलेटेड आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एजियोट्रोप्स और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स।
तो प्लीज यहां तक आपको अपने नोट्स को कंप्लीट कर लेना है, असाइनमेंट्स को कंप्लीट कर लेना है, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि सभी स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।